ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ନଦୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି ମନାଲି ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଚାରି ହଜାର କୋଟି ଛୁଇଁଲାଣି କହିଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ଘର ପାଣି ପଶି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେନା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बहुत अच्छा काम किया है पूरा प्रशासन नगर निगम मंडी और इनके समस्त जितने भी कर्मचारी हैं सब मौके पर यहाँ मौजूद थे और पल पल की जानकारी जो है ये ले रहे थे लेकिन पानी को तो कोई बारिश और पानी को कोई रोक नहीं सकता लेकिन इस बार जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है पहले नाइन्टी में भी ऐसा आया था लेकिन उस वक्त इतना नहीं था इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं पंचवक्तर मंदिर का जो अभी हाल में पूरा तत्व भागवाड़ या डंगे लगाए गए थे ये पूरे बह गए यहाँ पे परेशानी ऐसे इन सच कोई नहीं आई क्योंकि प्रशासन का पूरा सहयोग था उन्होंने जिनको इवैक्यूएट करना था उनको टाइम टाइम से पहले इवैक्यूएट कर दिया और पुलिस और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा हरिद्वार का ये हालत देख के तो हम हैरान हैं ना कोई यहाँ सीवरेज सिस्टम दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है पानी जा ही नहीं रहा अच्छा रुकने की बात आ रही तो बारिश भी शुरू आ रही है नॉन है